जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट GDS। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 44,000 प्लस वैकेंसी जो है पूरे इंडिया में निकाली गई थी, और यह वही वैकेंसी है जो कि आपके क्लास टेंथ, जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके क्लास टेंथ के बेस पर जो है, आपके क्लास टेंथ के परसेंटेज के बेस पर आपका सिलेक्शन जो है होने वाला है, यानी कि आपको बिना एग्ज़ाम दिए जो है फ्री में सरकारी नौकरी जो है मिलने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में जो है कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त के लास्ट वीक में या फिर आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिरकार जो है कटाप जो है कितनी इस बार जो है हाई जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इस वैकेंसी में जो है वेटिंग लिस्ट, जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है। तो इसमें वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भी वेटिंग लिस्ट आती है। तो हो सकता है कि फर्स्ट जो वेटिंग लिस्ट आप जो आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें कटाप आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही आपकी सेकंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी आपका कट ऑफ जो है काफ़ी कम हो जाएगा। जहाँ दोस्तों काफ़ी कम कट ऑफ हो जाएगा। तो आज हम इन तीनों लिस्टों के आधार पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार कट ऑफ जो है इस बार कितनी जा सकती है सारे स्टेट की। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब चलते हैं, हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में। तो बात करेंगे यहाँ पर मेल वर्जन के बारे में। पहले बात करेंगे मेल की कि आखिरकार मेल की कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, वो भी जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, तो आपके अगर 83 से 95 के परसेंट के बीच मार्क्स आए हैं हाई स्कूल में, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे हो सकता है। अगर वहीं ओबीसी की बात की जाए तो 80 से 88 के बीच में, अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 82 से 87 के बीच में, अगर एससी की बात की जाए तो 87 से 83 के बीच में, अगर एसटी की बात की जाए तो 77 से 83 के बीच में, अगर वहीं पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 65 से 74 के बीच में। हो सकता है कि कुछ स्टेट आपके, जैसे आपका यूपी हो गया और अगर बिहार हो गया, इन सब स्टेट की अगर बात की जाए तो हो सकता है कट ऑफ आपकी थोड़ी सी हाई यहाँ इन दोनों स्टेट की जा सकती है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं फीमेल के बारे में कि आखिरकार फीमेल कट ऑफ कितनी हो सकती है यहाँ पर। अगर फीमेल जो है यूआर मतलब जनरल कैंडिडेट हैं, तो उनके 82 से 92 के बीच में परसेंट अगर आपके हैं हाई स्कूल में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है फर्स्ट, नहीं तो सेकंड, या तो फिर थर्ड लिस्ट में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर वहीं ओबीसी की बात की जाए तो 76 से 84 के बीच में, अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 78 से 86 के बीच में, अगर एससी की बात की जाए 70 से 79 के बीच में, अगर एसटी की बात की जाए 68 से 76 के बीच में, अगर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 64 से 72% के बीच में। अगर आपके इतने परसेंट बढ़ रहे हैं तो आपका कन्फर्म है कि आपका फर्स्ट, अगर फर्स्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आपका सिलेक्शन 100% जो है होने वाला है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जो है जाने वाली नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे इंडिया में लगभग 44,000, जी हाँ दोस्तों, लगभग 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, सिर्फ वो भी आपके क्लास टेंथ के बेस पर, वो भी फ्री में, आपको एक तरीके से कह सकते हैं बिना एग्ज़ाम दिए जो है आपको सरकारी नौकरी यहाँ मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।